Morning students of class 3rd. Today we are going to learn social studies lesson 1 और our home. पृथ्वी हमारा घर है. हम लोग अर्थ पे रहते हैं. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है पर हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी. ओके, और अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि अर्थ हमारा होम है वो क्यों है, उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो वो हमारा होम है, उसके शेप के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, उसके बारे में बाद में जानेंगे कि प्लेनेट के अंदर ऐसा क्या है. ओके, अर्थ में फिर इसमें लाइफ पॉसिबल है वो किस रीजन से है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में. अर्थ इज अवर होम, अर्थ में हम रहते हैं वो हमारा घर है. किसी और प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ अर्थ पे ही हम जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. उसका शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल. इट इज ऑल्सो नोन प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये प्लेनेट अर्थ जो ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं. लाइफ इज पॉसिबल. लाइफ पॉसिबल क्यों है? अपने अर्थ पे लाइफ इज पॉसिबल बट व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. हमारे पृथ्वी में हवा और पानी है, इसीलिए हम इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटमोसफियर जो है अपने लिए कंफर्टेबल है. उसके बाद हम जानेंगे कि थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. अपना अर्थ जो है वो पानी से 75% कवर्ड है, बाकी जो है वो है लैंड है. ठीक है ना, 71% एंड 29%. ओके, 29% इज अ लैंड एंड 71% इज अ वाटर. नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर योर एंशियंट टाइम्स. एंशियंट यानी पुराने समय में लोग सोचते थे कि अर्थ है वो फ्लैट है. उनको लगता था फ्लैट यानी या तो स्क्वायर है, ऐसा कुछ है जिसके किनारे हैं. ओके, पर अर्थ इज नॉट अ फ्लैट. बट पुराने लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है और वो लोग डरते थे दूर जाने के लिए. एक जगह से दूर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए वो लोग डरते थे. वो क्यों डरते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और ये चलते चलते जब किनारे तक आएंगे तब वो लोग गिर जाएंगे, इसीलिए वो लोग डरते थे और दूर डिस्टेंस क्रॉस नहीं करते थे. पर 500 साल पहले इन द ईयर 1519, बिफोर 500 ईयर्स, 1519 में एक पोर्चुगीज सेलर, मैगलिन नाम का एक सेलर था. सेलर यानी जो नाव चलाता है, बोट चलाता है, शिप चलाता है, उसको हम सेलर बोलते हैं. तो पोर्चुगीज सेलर मैगलिन नाम के, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया स्पेन से. कहाँ से किया? स्पेन से किया. उनको ये प्रूव करना था दैट नो वन कुड फॉल ऑफ दी अर्थ. उनको क्या प्रूव करना था? उनको प्रूव करना था कि पृथ्वी से कोई भी गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले के लोग सोचते थे हम चलेंगे ज़्यादा दूर जाएंगे, किनारे तक पहुँचेंगे और गिर जाएंगे. पर मैगलिन को ये प्रूव करना था कि आप कितना भी दूर जाओगे तो गिरोगे नहीं, इसीलिए उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की स्पेन से, बोट पे, शिप में. पर क्या हुआ? अपना हार्ड लक होगा, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो बीच में ही मर गए, सफ़र के जर्नी के बीच में ही मर गए. और पर उनके जो सेलर्स थे, उनके जो साथ में जो उनके स्टाफ में जो कलीग्स होते हैं, जैसे हमारे स्टाफ में एक टीचर है, दूसरे टीचर्स हैं, वैसे इनके भी सेलर्स थे दूसरे, उन्होंने वो काम कंटिन्यू रखा, वही काम उन्होंने कंटिन्यू सफ़र जारी रखा. और 3 साल के बाद वो लोग वही जगह पे पहुंच गए जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था. कौन सी जगह? जैसे स्पेन से शुरू किया है तो वापस 3 साल बाद वही स्पेन पे वापस आ गए. इससे पता चला कि अपनी जो अर्थ है उसका कोई किनारा नहीं है, वो बिना किनारे का मीन्स गोल है. इट इज राउंड लाइक अ बॉल. वो कैसा? इट्स राउंड लाइक अ बॉल. अर्थ का शेप है
यहाँ से और यहाँ से फ्लैट है, पर यहाँ से ऐसे है, इट्स लाइक दिस, ओके। अर्थ हैज नो एजेस, सो देयर इज नो फ्रेडनेस स्कैडनेस टू दैट वी विल फॉल ऑफ, ओके। हु प्रूव दिस? अ पोर्चुगीज सेलर मैगलेन प्रूव। किसने प्रूव किया? पोर्चुगीज सेलर मैगलेन ने प्रूव किया। वो बीच में मर गए, पर उनके जो सेलर्स थे दूसरे, उन्होंने ये सफ़र कंटिन्यू किया और उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ के कोई एजेस किनारे नहीं है और वो एक बॉल की तरह है। कैसे प्रूव हुआ? उन्होंने जहाँ से सफ़र शुरू किया था, तो 3 साल बाद उसी जगह वो लोग वापस पहुँच गए। उससे पता चलता है कि पृथ्वी गोल है, ओके।